वो मुझसे कह रहा था कि मैं बदतमीज हूँ। उसे इतना भी नहीं पता कि ये दिदैम की चाल है और दोरक की मदद कर रही थी मैं। मेरी क्या गलती है? वो नहीं समझ पाएंगे हयात, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। 5 साल के बाद इनका दिमाग बढ़ना ही बंद हो जाता है, पता है? वो तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही, वो जनरली बात कर रही है। चलो अपना मुँह खोलो। पेशेंट को मत हिलाओ हयात, क्योंकि इसे 9 सीरियस और 3 छोटे फ्रैक्चर्स हुए हैं, तो हमें सावधानी बरतनी होगी। सॉरी। तुम्हें यकीन नहीं होगा सबसे अजीब बात क्या थी। वो मुझ पे बेईमानी का इल्जाम लगा रहा था। यकीन नहीं होता कि मैं और बेईमान। आप जरा एक बार देखिए मुझे, क्या मैं आपको शक्ल से बेईमान नजर आती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हयात, तुम्हारे नकली डैड तुम्हारे बड़े बॉस के दोस्त है ना, तो तुम उन्हें सच क्यों नहीं बताती? उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया था सच जानने के लिए, पर हमने उन्हें कुछ नहीं बताया। वैसे उन्होंने मुझे मनाया भी था, लेकिन मैंने कुछ सुना ही नहीं। हयात, तुमने ऐसा क्यों किया? इतनी जिद क्यों की तुमने? मैंने कहा था ना तुमसे कि सब सच बता दो, तो तब सच क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं चाहती थी कि वो बताए। उसने मुझ पे इल्जाम लगाया, वो भी मेरी बात सुने बगैर। उसने ये सब बदला लेने के लिए किया। मुझे उससे कोई बात ही नहीं करनी है। चलो छोड़ो भी ये बात, तुमने उसका कोई एहसान नहीं लिया है। तुम्हें उस पागल के बारे में उसके बाप को जाकर सब कुछ सच बता देना चाहिए। जबरदस्ती बंद करो, हयात के पल्स बढ़ गए हैं, लगता है वो थक गई है। अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम बिल्कुल सही थी, तुमने बिल्कुल सही किया है। हम दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा जॉब ढूंढने में कोई परेशानी नहीं है। मेरा दिल टूटा है, मेरी खुददारी को ठेस पहुंची है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर उसने तुम्हारे डैड को जाकर बता दिया तब क्या होगा हयात? आज नहीं तो कल सच बाहर आ जाएगा। तुम जल्दी सूना से बात कर लो। ऐसा करना अभी ठीक नहीं होगा। वो शायद तुम पर गुस्सा हो सकती है और अपने पापा के सामने एम्बैरस्ड भी हो सकती है। इस बारे में बाद में बात करते हैं, ओके? असली प्रॉब्लम तो मेरी मॉम है, उन्हें मैं क्या बताऊंगी? नहीं बताओगी। तुम काम पे जा रही हो ये कहकर निकल जाना घर से। और अगर वो फिर से ऑफिस आ गई तो, जैसे वो आज टपक पड़ी थी? शांत हो जाओ, अब उनका कॉल उठा, उन्हें हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। हाँ। क्या कर रही हो बेटी, काम कर रही हो क्या? हाँ मॉम, बस काम ही कर रही थी। और क्या कर सकती हूँ यहाँ, हम बहुत बिजी हैं। काफी काम भी बचा हुआ है, वही पूरा कर रही हूँ। ठीक ठीक, काम करो बेटा। हाँ देखो, मैंने तुम्हारे पापा से बात की, उन्होंने कहा कि अगर उसे जॉब मिला है और तुमने ऑफिस जाके देख ली है तो वापस आ जाओ। अब मेरा यहाँ पर क्या काम है? हाँ, तो मैं आज रात को ही वापस जा रही हूँ। ये कैसी आवाज आ रही है, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मॉम, मुझे आपकी आपकी बहुत याद आएगी। मॉम, मैं नहीं चाहती आप जाएं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, पापा ने बुलाया तो